हम लोग पढ़ रहे हैं समयवर। इसके पहले हम चार एपिसोड बना चुके, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। आपको सलाह है कि पीछे के सारे एपिसोड अवश्य देखें, तभी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, एक एक चीज क्लियर होगी। आगे देखते हैं, रिगार्ड ईच ऑफ एवरी वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ विच ऑफ एनी वन ऑफ नन ऑफ। इन सब के बाद जो करता आएगा वह हमेशा बहुचन का होगा, लेकिन वर्ग के चिन्ह क्या आएगी, एक चिन्ह। अब प्रश्न हुआ क्यों, एक पॉइंट समझो। अच्छा बताओ, वह एक शीशी समझो, वन ऑफ द बॉयज कहोगे कि वन ऑफ द बॉय, लड़का में से एक कि लड़कों में से एक, बोलो लड़कों में से एक ना, तो वन ऑफ द बॉयज। पहली बात यहां पर क्या आएगा, बहुजन। अब वन ऑफ द बॉयज में लड़कों में से एक, तो वर्ग कई चिन्ह जाएगी, जब एक हो गया तो वर्ग कई चिन्ह जाएगी, एक चिन्ह की, एक चिन्ह बराबर एच, पीछे पढ़ा चुके। तो फिर से ईच ऑफ एवरी वन ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ वन ऑफ विच ऑफ एनी वन ऑफ नन ऑफ। इन सब के बाद यहां जो करता आएगा वह हमेशा बहुचन का होगा, लेकिन वर्ग जो है एक चिन्ह। जैसे देखो डर, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज लिव इन द हॉस्टल। यह वाक्य ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से प्रत्येक, तो जब प्रत्येक हो गया तो एक एक हो गया, एक एक हो गया तो यहां लिप का प्रयोग होगा, लिप्स का, यह लिप्स जो है सही नहीं सर। जैसे कहा गया Each of the players have been rewarded. बताइए सही है गलत है? Each of the players सही है, खिलाड़ियों में से प्रत्येक, तो यहां पर have होगा हैज होगा, प्रत्येक एक एक, तो एक एक यहां पर क्या होगा हैज हो जाए, पक्का। इसे कहा गया एवरी वन ऑफ द वर्कर्स, एवरी वन ऑफ द वर्कर्स हैव बीन टर्मिनेटेड। बताइए बेटा सही गलत है? एवरी वन ऑफ द वर्कर्स, कर्मचारियों में से प्रत्येक, तो जब प्रत्येक हो गया एक एक हो गया तो यहां पर हैव होगा कैज होगा, बोलो हैज। हैज क्यों होगा समझा ना, क्योंकि इतनी का अर्थ ऐसे निकालो, कर्मचारियों में से प्रत्येक, कर्मचारी प्रत्येक एक हो गया तो वर्ग कितनी जाएगी, एक जन। इसे कहा गया एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स, एवरी वन ऑफ दोज गर्ल्स हैव बीन रिवार्डेड। बताइए क्या वर्ड, उन लड़कियों में से प्रत्येक को सम्मान ध्यान दिया गया, तो प्रत्येक को तो हैज होगा कैज होगा, बोलो हैज होगा, मिटा दें। जैसे कहा बेटा आइदर ऑफ द टू लेडीज
आइदर ऑफ द टू लेडीज वर्क इन माय ऑफिस। बताइए वाक्य सही गलत है। आइदर दो और लेडीजों में से एक, दो औरतों में से एक, तो जब एक हो गया तो यहां वर्क होगा, वर्क्स होगा, बोलो वर्क्स होगा। जैसे कहा आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, दो विद्यार्थियों में से कोई कक्षा में प्रथम आया, तो दो उन दो विद्यार्थियों में से, तो यहां पर कोई एक आया होगा ना, तो स्टैंड सही है, स्टैंड्स स्टैंड्स। जैसे कहा गया आ रहा है सुन मैंने, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, फिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो यहां करता आएगा वह बहुवचन का होगा, आगे वर्ड जो है कचन क्या आएगी एकचन। क्यों एकचन क्या रहे समझा दिया, कोई चीज रटो नहीं बेटा, एक एक चीज बिल्कुल आपको क्लियर हो तब समझो पाठक पढ़ रहे हो। इसे कहा बेटा नाइदर ऑफ द टू आर ब्यूटीफुल, नाइट दोनों में से कोई सुंदर नहीं है, तो इसका मतलब यहां पर कोई एक की बात हो रही है, कोई भी नहीं, तो यहां पर आर का प्रयोग गलत है बेटा, क्या होगा इस होगा। इसे क्या बेटा नाइदर ऑफ द टू, Neither of the two students have been punished. दिमाग लगाओ, Neither of the two students have been punished. तो एक ही विद्यार्थी हुआ, दो विद्यार्थियों में से किसी को दंडित नहीं किया गया है, तो have की जगह क्या हो जाएगा है, क्योंकि इतने का अर्थ कर चला रहा है एक जन। जैसे कहा था वन ऑफ दीज बुक्स, वन ऑफ दीज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। दिमाग लगाओ सही है गलत है, इन किताबों में से एक, तो इन किताबों में से एक जब हो गया यहां आर होगा इज होगा इज। जैसे कहा बेटा वन ऑफ दोज ऑफिसर्स वन ऑफ दोज ऑफिसर्स हैव बीन सस्पेंडेड। बोलो वन ऑफ दोज ऑफिसर्स उन अधिकारियों में से एक को सस्पेंड किया गया है, बताइए यहां है होगा कैज होगा, जब एक आ गया तो हैज। उन अधिकारियों में से एक को, तो वर्ड कैप्शन क्या है एक जगह, तो हमने आपको बताया ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, फिच ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो करता आएगा वह बहुवचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह एक चुन। बाकी अगले एपिसोड, हाँ अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, इससे कहा बेटा व्हिच ऑफ योर सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल। यह वाक्य बेटा व्हिच ऑफ योर सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहनों में से कौन, तो यहां पर कौन मतलब एक ही होगी ना, इसलिए आर गलत है बेटा, क्या होगा इज होगा। जैसे कहा बेटा व्हिच ऑफ हिज सन्स
हैव गॉन टू दुबई, यह वाक्य हेच आप उसके लड़कों में से कौन, तो बताइए है होगा कह होगा है जो नोट कर लो रे, ऐसे कहा रे सर नारा ना, ऐसे कहा रे एनीवन या एनी सही है एनीवन ऑफ दोज प्लेयर्स हैव स्कोर्ड वेल, बोलो बेटा क्या होगा एनी वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैव नहीं होगा बेटा क्या होगा है जो जैसे कहा बेटा एनी वन ऑफ द लेबरर्स एनी वन ऑफ द लेबरर्स लिव इन दिस कॉलोनी, बोलो बेटा क्या होगा एनी वन ऑफ द लेबरर्स लिव होगा लिप्स होगा, ये गलत है बेटा, क्या होगा लिप्स, ठीक है जैसे कहा बेटा None of us have got good marks in the exam. बोलो None of us में से कोई नहीं तो have होगा कह होगा है जैसे कहा बेटा None of the ऑफिसर्स नन ऑफ द ऑफिसर्स वर टर्मिनेटेड, बोलो नन ऑफ द ऑफिसर्स वर होगा क्वाज होगा, ये हमने आपको बताया Each of, every one of, either of, neither of, one of, which of, any one of, none of, ये आठ हैं। इनके बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह एकवचन की होगी। हाँ अगला एग्जाम्पल देखिए बेटा, ऐसे कहा बेटा which of your sisters are beautiful, ये वाक्य बेटा विच ऑफ योर सिस्टर्स आर ब्यूटीफुल, तुम्हारी बहनों में से कौन, तो यहां पर कौन मतलब एक ही होगी ना, इसलिए आर गलत है बेटा, क्या होगा इज होगा, जैसे कहा बेटा विच ऑफ हिज सन्स बेटा Have gone to Dubai, ये वाक्य है Which of उसके लड़कों में से कौन, तो बताइए है होगा कह होगा है जो नोट कर लो रे, ऐसे कहा बेटा सर नारा ना, ऐसे कहा बेटा एनीवन या एनी सही है एनी वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैव स्कोर्ड वेल, बोलो बेटा क्या होगा एनी वन ऑफ दोज प्लेयर्स हैव नहीं होगा बेटा क्या होगा है जो जैसे कहा बेटा एनी वन ऑफ द लेबरर्स एनी वन ऑफ द लेबरर्स लेबर
इन दिस कॉलोनी, बोलो बेटा क्या होगा? एनी वन ऑफ द लेबरर्स लिव होगा क्लिप्स होगा, ये गलत है बेटा, क्या होगा? लिप्स, ठीक है। जैसे कहा बेटा, नन ऑफ अस हैव गॉट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, बोलो। नन ऑफ सबमें से कोई नहीं, तो हैव होगा कैज होगा, है। जैसे कहा बेटा, नन ऑफ द ऑफिसर्स, नन ऑफ द ऑफिसर्स वर टर्मिनेटेड, बोलो। नन ऑफ द ऑफिसर्स वर होगा क्वाज होगा, तो ये हमने आपको बताया, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, विच ऑफ, एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ये आठ हैं। इनके बाद जो कर्ता आएगा वह हमेशा बहुवचन का होगा, आगे जो वर्ब आएगी वह एकवचन की होगी। ओके, बाकी अगले एपिसोड में।